पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है और कंपलसरी पेपर है आप लोगों के सामने। मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बताई थी लास्ट टाइम। इसमें सबसे पहले अफलातून का नजरिया इश्तराकियत है, अफलातून का मिसाली रियासत है, अफलातून का नजरिया इंसाफ है, अफलातून का नजरिया तालीम है। आज हम ये चार टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो भी मेरे नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मिसाली रियासत की खसूसियात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। अब देख लेते हैं, पहला अफलातून का देख लेते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि अफलातून की मिसाली रियासत बयान करें, इसका नजरिए का तनकीदी जायजा लिखें। अब देखें, दो तरह से सवाल आते हैं, एक तनकीदी जायजे के लिहाज से आता है और एक सिंपल आता है। अब हमने दोनों सवालों का कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बता दूंगी। दूसरा सवाल इसमें आया हुआ है कि अफलातून की मिसाली रियासत का तनकीदी जायजा लें, अफलातून का नजरिया इंसाफ बयान करें, अफलातून की मिसाली रियासत की खसूसियत तफसील से लिखें, अफलातून को अपनी मिसाली रियासत के लिए पेश करदा नजरिया तालीम का तनकीदी जायजा लें। मिसाली रियासत के लिए पेश करदा अफलातून का नजरिया तालीम दोबारा आ गया, एक तनकीदी जायजा आ रहा है, इश्तराकियत आ रहा है। अच्छा, हर पर्चे में अफलातून से मुतल्लिक एक सवाल लाजमन आता है 25 नंबर का। मुनर्जा जितने भी पर्चे थे उनमें ये सवाल आए, कुल 7 सवाल आए थे जिसमें अहम टॉपिक 4 है, जो कि बनते ही 4 है, ठीक है। और जो कि ये दर्ज जिला मिसाली रियासत की खसूसियत, नजरिया इंसाफ, नजरिया तालीम, नजरिया इश्तराकियत। अच्छा जी, हम नजरिया इश्तराकियत सबसे पहला है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि दो तरह से सवाल हल होगा, एक होगा सिंपल तरीके से और एक होगा आपका तनकीदी जायजे के लिहाज से। जब आपका तनकीदी जायजा होगा तो आपने जो सिंपल मेथड होगा उसको शॉर्ट कर देना, तनकीदी जायजे को थोड़ा सा लंबा खींच देना है। लेकिन जब तनकीदी जायजा ना हो, सिंपल सवाल पूछा हो, तो उसने आपने सवाल को 25 मार्क्स के लिहाज से ही अटेम्प्ट करना है। आउटलाइंस की वन बाय वन करके मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, इसमें नजरिया इश्तराकियत की भी की हुई है, इसकी आउटलाइन आप लोगों के सामने है, इसको मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, हम इससे सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपको आउटलाइन मेरे उस पर मिल जाएगी यूट्यूब के चैनल पे, लिंक मैं दे दूंगी। अच्छा जी, इसका जो हर सवाल को स्टार्ट करना है और हर स्टार्ट को एंड करना है, इस अगर इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। CSS के दौरान, PMS के दौरान हमें यही सिखाया गया था कि जब आप स्टार्टिंग अच्छा करोगे तो आपका एंड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर जो इम्प्रेशन होता है वो आपका फर्स्ट सवाल के स्टार्टिंग से होता है। ये मेरा सवाल स्टार्ट हुआ है, ये देखिए जो मैंने लाइन्स लगाई है, ये जो मैंने लाइन्स लगाई है, ये कॉर्नर से मैंने लाइन लगाई है जहां से मैंने उर्दू शुरू की है, ठीक है। ये मैंने डबल लाइंस लगाई है। अच्छा, मैं लाइंस दो तरह से लगाती हूँ, एक मैं मार्कर के साथ लगाती हूँ, एक मैं पॉइंटर के साथ लगाती हूँ, ताकि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा है। अब ये दूसरी चीज आप मेरे पेपर्स में नोट करेंगे, सवाल में नोट करेंगे, यही मेरे पेपर में जाके पंजाब यूनिवर्सिटी से आप मेरे पेपर्स निकलवा सकते हैं। उसमें ब्लू कलर के मार्कर से हेडिंग दी है, तो नीचे मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन की हुई है, ठीक है। तफसीलन जवाब लिखा, हरफे आगाज लिखा, हरफे आगाज मैंने शेयर किया हुआ है, अफलातून अपने जमाने का मारूफ फलसफी और मुफक्किर था। अगर आप ये 3-4 लाइनें भी याद कर लेते हैं ना, तो आपके लिए हर सवाल में अगर ये भी लिख दोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि पेपर में एक ही सवाल आना है। अफलातून का कोई भी एक सवाल आएगा तो आपने अगर ये स्टार्टिंग याद कर लेते हो तो आपके लिए एक सेकेंड तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि अगर आप लोग ये याद कर लोगे तो। अच्छा जी, जिस सवाल का जवाब आएगा ना उसमें आपने वही तीसरी लाइन ऐड करनी है, वो सकरात के इंतहाई जहीन और फतीन। फतीन वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा जहीन होता है और बहुत ज्यादा याददाश्त में हाई लेवल का होता है। शागिर्दों में से एक था अफलातून ने नजरिया कम्युनिटिज्म, अच्छा इंग्लिश में कहते हैं नजरिया इस्तेमालियत कहते हैं या नजरिया इश्तराकियत कहते हैं, जिसका असल मकसद इंसाफ का नफाज, उसकी तकमील और उस तकमील के उस्ताद से मिसाली मुमलिकत का इस्तेकाम था। अच्छा जी, मिसाली मुमलिकत का ये कॉन्सेप्ट जब हम दूसरी दफा पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये नजरिया इश्तराकियत आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, वेटिंग रूम में बैठे हैं, कौन बैठा वेटिंग रूम में, किसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक मिनट, रिक्वेस्ट आई हुई थी, सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा, खैर, इंट्रोडक्शन आपको फिर भी मिल जाएगा और फिर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अहमद हो रहा है, ठीक है। अफलातून का तारुफ हो गया, अफलातून का तारुफ जो आपको इजी लगता है आप वो कर लें। हाशिम आप माइक ऑफ करें, दोनों आप माइक ऑफ करें, सारे अपने माइक ऑफ कर दें।
तारुफ है, अपना तुम का तारुफ में इसी तरह लिखकर आई जैसे कि आप लोगों के सामने है। मैंने अपना तुम का सवाल अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने अरस्तु का सवाल अटेम्प्ट किया था, तो अरस्तु के भी मैंने इसी तरह तारुफ लिखा और इसी तरह मैं सर्कल बनाकर आई थी। मेरी सबसे अच्छी हैबिट है जो मैं सर्कल बना के मेंशन करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट कोई भी चीज होगी, उसकी बुक होगी, कोई कोटेशन होगी, तो वो मैं सर्कल में मेंशन करती हूँ। खैर, इसका हम तारुफ के बाद नजरिया कम्युनिज्म पे आ जाते हैं। नजरिया कम्युनिज्म इश्तराकियत होता है कि दो चीजों को इश्तराक करना, आप में और मेरे साथ इश्तराकियत करना, एक भामी रब्ता कायम करना। अब कम्युनिज्म का जो नजरिया था वो इससे पहले भी बयान किया गया था, एक यूनानी ड्रामा निगार था, यूरिपिड्स उसका नाम था, उसने इस्तेमालियत का नजरिया बयान किया था। उसका जो हीरो था उस वक्त, जिसने उस ड्रामे में मतलब वो एक किरदार अदा किया था, हेरोडोटस था, अगाथिसेन के सामने रखते हुए मुश्तरका औरतों को रखने की बात की थी। अब मुश्तरका औरतें दो तरह की, उसने इश्तराकियत का नजरिया था, एक जायदाद का था और फीमेल्स के हवाले से उसने इश्तराकियत कहा था कि जो फीमेल्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये नजरिया शेयरिंग के हवाले से है। उसने किस बात पर ये बहस की थी और इसको प्रूव कर दिया था कि जो नजरिया इश्तराकियत है वो हर हाल में वैलिड है। अच्छा जी, ख्याली रियासत में उसने माशर्ती नजरिया पेश किया था। उसने फलसफी और फौजियों पर मुश्तमिल दो ग्रोहों को बताया था। फलसफी हुक्मरानों की उसने इम्पोर्टेंस बताई थी और फौजियों के हवाले से बताया था। इस बात का खतरा था कि जाति जायदाद से उनकी इंफरादी हवस जन्म लेगी, जो फर्द और रियासत के जाति मुफादात के दरमियान तसादुम का बाइस बनेगी। इस तसादुम से बचने के लिए उसने कम्युनिज्म का प्रचार किया था। नजरिया इश्तराकियत शेयरिंग का है, जैसे कि उसने कहा था कि बजाते खुद तो एक मकसद नहीं है, लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए उसने ये नजरिया पेश किया था। उसे तीन तरह के लोगों को बताया था, एक जो मुफक्किरीन थे, ठीक है, फलसफी थे, जो कि बादशाह बनने के अहल थे, जो के मतलब जिनको पढ़ाया लिखाया जा सकता है, जिनको बना के हुक्मरान बनाया जा सकता है। दूसरा उसने फौजी बताया था, फौजी जो के हमारे रियासतों की हिफाजत करते हैं। तीसरा उसने मजदूर तबका बताया था। उसने कहा था कि अगर फलसफियों को हुक्मरान अच्छा बनाना है तो उसके लिए ये इश्तराकियत का नजरिया होना चाहिए, उनको जायदाद की टेंशन से बाहर निकलना चाहिए, उनको अपने खानदान की टेंशन से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए उसने ये नजरिया किया था कि वह एक अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं। और जो मजदूरों की फीमेल्स होंगी और मजदूरों की जायदाद होगी, वही सबकी जायदाद होगी, वही सबकी मतलब फीमेल्स होगी। खैर, उसने असबाब उसके कहा था, नफसियाती सबब था, एक नफसियाती था कि नफसियात कहता है कि जब इंसान किसी की बंदिश में हो जाता है, आपके पास जिम्मेदारियां हो जाती है, तो वो एक अच्छे से आप हुक्मरान नहीं बन सकते, आप अच्छे से हुकूमत नहीं चला सकते। इसलिए उसने कहा था कि इंसान को उस हुक्मरान को, उस नफसियाती को, नफसियानी जो ख्वाहिशात है उससे आजाद करने के लिए जो उसने कम्युनिज्म का ये नजरिया पेश किया था। सियासी और इल्मी इस बात कहा था कि सियासी और माशर्ती ताकत के मतलब होना इखलाक की खराबी, एक फिलासफर हुक्मरान को महफूज नहीं कर सकता, इसलिए मिसाली रियासत की बका के लिए जरूरी है। अब नजरिया इश्तराकियत उसने दो तरह की थी, मैं सेम इसी तरह मतलब मैं डिस्क्राइब कर सकते हो तो करो, जो सर्कल नहीं लगा सकता वो बॉक्स लगा ले। खैर, जायदाद का नजरिया और कम्युनिज्म का नजरिया, जायदाद का नजरिया देख लेते हैं। जायदाद के नजरिए में उसने कहा था कि फलसफी हुक्मरान और फौजियों को अमलाक जायदाद की इस्तेमालियत जरूरी करार दिया। अफलातून का ख्याल था कि अगर फलसफी हुक्मरानों और फौजियों को सियासी कुव्वत के साथ माशी कुव्वत भी दे दी जाए तो वो बेरहमी का शिकार हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि उनकी तवज्जो मुल्की मफाद और बहबूद अमल से हट जाएगी। इसलिए जरूरी है कि उनको कम्युनिज्म का उसे ये किया था। खैर, फौजियों के बारे में कहा था कि वो मुश्तरक जगहों पे रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, वो एक मुकर्रर तनख्वाह लेते हैं और सालाना अखराजात पूरे करते हैं। जो उनकी जो एक मतलब ख्वाहिशात होती हैं उससे उसको आजाद करने के लिए उसने ये कम्युनिज्म का नजरिया पेश किया था। अच्छा जी, उसमें नजरिया जायदाद की नजरिया इश्तराकियत पर हम तनकीद देख लेते हैं। निफ्स कम्युनिज्म है, हाफ है, इसमें सिर्फ इसने हुक्मरान तबके को देखा था, मजदूर तबके को इसने इग्नोर कर दिया था। गैर फितरी नजरिया है, क्योंकि जायदाद का मालिक होगा तो उसका मुकम्मल हक तो होगा, उसकी शख्सियत मुकम्मल होती है, जब जायदाद नहीं होगी तो हर वक्त टेंशन में रहती है। ग्रोही निज़ाम की तश्कील है, ठीक है, एक मजदूर इस निज़ाम से आज़ाद हो जाता है, ग्रोह की शक्ल में सामने आ जाते हैं। गुलामों का इखराज कर दिया, अफलातून ने अपने नजरिए में गुलामों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि गुलामों की भी कोई हैसियत है या नहीं है। शख्सी आज़ादी का खात्मा कर दिया, कोई भी शख्स आज़ादाना तौर पर अपना फैसला नहीं कर सकता, सब रियासत के अंडर होंगे। इंतहा पसंद नजरिया है, जैसे कि उसके मतलब नजरिए से मालूम हो रहा है कि इंतहा पसंद है, लेवल इंतहाई किस्म का है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, ना जज्बात है ना एहसास है।
सियासत और इक्तसादियत में एम रहेंगे का फुकदान हो गया, जिंदगी की रंगारंगी खत्म हो गई है, जब जब हुक्मरान और फौजी मतलब बाहर ही नहीं निकलेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, एक ड्यूटी 24 घंटे करेंगे और उनको घर ना कोई उनका घर होगा, ना उनकी कोई जमीन जायदाद होगी, ना उनका कोई कारोबार होगा, वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी ही सर अंजाम देते रहेंगे, तो वो बोर हो जाएंगे और उनके अंदर से सारी जिंदगी की जो रंगारंगी है वो खत्म हो जाएगी। अब आ जाता है खानदान का कम्युनिज्म, इंतहाई बगैरत किस्म का इंसान था, सिंपल सा मैं बोलूंगी उस दौर में, आज के दौर में तो ये कम्युनिज्म हो ही नहीं सकता। खानदान का कम्युनिज्म है, अफलातून का हुक्मरान और फौजी तबके के लिहाज से निजी मलकियत के लिहाज से खानदान को भी ममनू करार दे दिया। इश्तहा का नुमाइंदा मजदूर तबका जिसने निजी मलकियत को रख सकता था, खैर अच्छा जी एडमिट कर लेते हैं न्यू आगे। इश्तराक इज्दवाज का तसव्वुर पेश किया था, वाइफ्स का, जो वाइफ्स हैं आप उसको शेयरिंग कर सकते हो, ये उस लिहाज से था। इसको ना ही पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन। इस नजरिए के मराहल से औरतों की आजादी था, शादी के निजाम में उसने तरमीम कर दी थी कि एक से जायद आप फीमेल्स हैं तो वो काफी ज्यादा हुक्मरानों के पास शेयरिंग कर सकते हैं और वहां से बच्चे पैदा कर सकती है। खैर उसका ये नजरिया था, आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखें इसमें इन्होंने मतलब सारा कम्युनिज्म खानदान के लिहाज से किया है। खैर इस पर तनकीद देख लेते हैं, तनकीदी जायजा देख लेते हैं। सिंपल सा तनकीदी जायजे में खानदानी इदारे खत्म कर दिए, खानदान का तसव्वुर इसने खत्म कर दिया, खानदानी रिवायात खत्म हो गई, ना इसमें वालदैन का तसव्वुर है, ना उसमें बहन भाई का तसव्वुर है। और इंसान की बुलंद मकाम जो कि हम कहते हैं जिसमें हमने रिश्ता दिया होता है, अशरफुल मखलूकात होते हैं जिसमें एक रिस्पेक्ट होती है मर्द और औरत की, वो इसने टोटल खत्म कर दी। रूहानी रिश्ते हैं जो अफराद की जिंदगी में होते हैं उसमें टोटली खत्म कर दिया, जो फीमेल्स का काम है और सिर्फ बच्चे पैदा करना उसके मकसद था, इसके अलावा और कोई नहीं था। बच्चों का गैर फितरी माहौल हो गया, अब बच्चे इतनी ज्यादा तादाद में पैदा होंगे तो जाहिर बात है बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा वालिद कौन है और मेरी मदर कौन है। अब एक ही माँ से जब मुख्तलिफ अफराद के जो बेबीज पैदा होंगे तो उनको मालूम ही नहीं होगा, तो इस तरह जो बच्चों की नस्ल है वो खराब होगी। ठीक हो गया, एक मिनट। माल है, मैसेजेस आ रहे हैं और मैं व्हाट्सएप देख रही थी, सॉरी। अच्छा बच्चों का गैर फितरी माहौल हो गया, इसके अलावा औरत और मर्द का मसावी दर्जा हो गया, अफलातून के नजरिए इस्तेमालियत पर अरस्तु की तनकीद हो गई है। अब अरस्तु था, उसके बाद आया उसका शागिर्द था, अफलातून उसका फादर था, सॉरी उस्ताद था। अब तीन याद रखने, सकरात है, सकरात के बाद अफलातून है, अफलातून के बाद अरस्तु है, जो दरमियान में अफलातून है वो शागिर्द है सकरात का, और जो अरस्तु है वो शागिर्द है अफलातून का। ये एक सीरीज में है, आपने सीरीज में याद करना है तो आपके लिए आसानी हो जाएंगी कंसेप्ट समझने में। इस्तेमालियत जायदाद पर उसने तनकीद की, अरस्तु ने अपने उस्ताद पर किए कि इस नजरिए में अक्सरियती तबके को नजरअंदाज कर दिया, फितरी असूलों के खिलाफ था, फर्द की इनफरादियत को खत्म कर दिया, पैदा करदा दो तबका से रियासत की यगनियत भी मुतासिर होती है, कम्युनिज्म नहीं है। इस्तेमालियत इज्दवाज पर उसने यही कहा कि औरतों को जानवरों से तशबीह दे दी है, गैर जिम्मेदाराना निज़ाम है, निज़ाम गैर शाइस्तगी का निज़ाम है। ठीक है, इस तरह के उसने ये जो पॉइंट दिए हैं। अब हासिल बहस एंड कर लेते हैं इसका, कम्युनिज्म का, कि अफलातून का नजरिया इस्तेमालियत दरअसल महदूद नजरिया था। अफलातून के ख्याल में निजी मलकियत और खानदान के खात्मे को ही रियासत का इस्तेकाम और माशरे की बका के लिए लाजमी ख्याल किया गया। इस ख्याल में एक मिसाली रियासत चलाने के लिए एक बलाई तबका दरकार होगा जिसके अरकान को हवस मालो दर और खानदानी जिम्मेदारी और बंदिश से आजाद होना चाहिए। खैर ये नजरियात एक मिसाली रियासत के लिए थे जिसका वजूद तखलियाती था और गैर हकीकत था। ऐसा मिसाली रियासत ना तो अफलातून के दौर में तश्कील पाई और ना ही इसके बाद मुमकिन हो सके। कम्युनिज्म दो तरह का है, सिंपल एंड स्ट्रेट तरह से, एक खानदान का और एक जायदाद का। जायदाद का आपको पता है मुश्तरका जायदाद रखने की उसने बात की है ताकि वो आजाद हो जाए फलसफी और आपके फौजी हुक्मरान फौजी लोग, दो तरह के लोगों के लिए ये उसने नजरिया किया था, बाकी सबको इग्नोर कर दिया था। सिंपल एंड स्ट्रेट उसका आसान सा ये नजरिया था। तीसरा आ जाते हैं मिसाली रियासत। मिसाली रियासत एक ऐसी रियासत थी जो कि एक तखयल में होते हैं, एक मैं सोचूं कि यार मैं इन फ्यूचर ये काम कर सकती हूँ, एक ऐसी स्टेट बना दूं जहां पर ये मुमकिन है, मैं एक ऐसी स्टेट का कंसेप्ट माइंड में ले आऊं, ये उसके लिहाज से है। ठीक है,
अब उसने क्या सोचा था कि ये मिसाली रियासत क्या होनी चाहिए, उसके हवाले से उसके जो उसने कहा था कि मिसाली रियासत में उसने तीन तबकात की हैं, कोई फलसफी हुक्मरान की है, कोई फौजी तबका दिया है, तीसरा उसने पेशावर मजदूर किया। अब उसने किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया वो हम सवाल में देखेंगे। हुकूमत की तकसीम है बादशाहत इशराफिया और जमहूरियत के हवाले से किया तनकीदी जायजा, इसके पॉइंट आपको मेरी यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा। अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हरफ आगाज में जो मर्जी लिखो, हरफ आगाज में मैंने कुछ खास नहीं, अब तक तो उनका तारुफ वही वाला नजरिया इश्तराकत वाला। मिसाली रियासत का नजरिया उसने अपनी किताब अल जमहूरिया में पेश किया था। उसके ख्याल में रियासत आला पैमाने पर एक इंसान की हैसियत रखती है। उसने इस्तदलाल के साथ, अकल के साथ रियासत और इंसान को एक दूसरे के साथ मुमासलत करार दिया, यानी कि जो रियासत और इंसान है वो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। रियासत के जो चार अनासिर होते हैं, रियासत कैसे बनती है, पाकिस्तान की रियासत हो गई, इंडिया की रियासत हो गई, यूएसए की रियासत हो गई, वो कैसे वजूद में आई, कैसे उसको रियासत का दर्जा दिया गया, उसके लिए चार चीजें होना जरूरी है। आपको एक टेरिटरी होता है, एक इलाका होता है, उसकी चार मतलब जो मर्जी उसकी सरहदें होती हैं वो होना जरूरी है, उसके अंदर कुछ आबादी होना जरूरी है, एक हुकूमत का होना जरूरी है, इक्तदारे आला। आपको इसका कंसेप्ट मगरिब के लिहाज से देखोगे तो हुक्मरान का होना जरूरी है, और मुसलमानों के लिहाज से देखोगे तो इक्तदारे आला का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ठीक है, रियासत के चार अनासिर हो गए। अब उसने कहा है कि इंसानी रूह की तकसीम तीन तरह से होती है, हमारी रूह है हमारी तीन तरह से होती है, एक अकल होती है, एक जज्बा और हौसला होता है, तीसरा हमारी ख्वाहिश होती है। अगर हमारी ख्वाहिश होगी तो हमारा हौसला होगा, हौसला होगा तो हमारी अकल काम करेगी। ये तीन तरह की उसने कहा है कि इंसान की जो रूह होती है वो तीन तरह के जज्बात से मिलकर बनी है। ठीक है, अब उसने तीन तरह की जो अकल है, जो हाई लेवल है अकल, जो हमारा दिमाग है, उसको उसने कहा है कि फलसफी हुक्मरान है, फलसफी लोग हैं जो कि सोच सकते हैं वही अकल रखते हैं, इसके अलावा और कोई अकल नहीं रखता उसके नजदीक। जो हौसला है, जो जज्बा है, सिर्फ फौजी रखते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं रखता उसके नजदीक, अफलातून के नजदीक। और जो ख्वाहिश है वो पेशावर मजदूर की है, इसके नजदीक ये था कि जो मजदूर का बेटा है वो सारी जिंदगी मजदूर रहेगा, वो कभी भी फौजी नहीं बन सकता और वो कभी भी फलसफी हुक्मरान नहीं बन सकता। फलसफी हुक्मरान से होने वाले बच्चे हमेशा फलसफी हुक्मरान ही बनेंगे, वो कभी भी फौजी नहीं बन सकते। फौजियों के बच्चे हमेशा फौजी ही बनेंगे, वो कभी भी मजदूर नहीं बन सकते। बेशक मजदूर का बच्चा जितना मर्जी अकलमंद क्यों ना हो, जितनी मर्जी उसने डिग्रियां क्यों ना ले ले, वो कभी भी फलसफी या हुक्मरान नहीं बन सकता, उसके नजदीक ये था। अब देख लेते हैं, पहले में देख लेते हैं वही अकल देख लेते हैं, फलसफी हुक्मरान का ख्याल ख्याल था। आप लोग तो उनके ख्याल में जो मकाम इंसानी जिसम में अकल का होता है, इसी तरह रियासत में फलसफी हुक्मरानों का तबका है। इसके ख्याल में रियासत के हुक्मरान के लिए फिलोसफर अकलमंद और बहादुर होना जरूरी है। अच्छा जी, फौजी तबका है दूसरा तबका, उसने कहा फौजी है जिसके अंदर हौसला होता है, जज्बा होता है, जो कि रियासत की हिफाजत करता है, जो कि जिस तरह फौजी काम वही करता है जो कि इंसानी जिस्म में जज्बा करता है, इसके नजदीक फौजी तबका रियासत की सालमियत को बहाल करते हैं। तीसरे नंबर पे पेशावर मजदूर हो गए, पेशावर मजदूर वही, उनके अंदर भूख होती है, इश्तहा होती है, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश होती है, इस तरह का वजूद उसने रियासत के लिए पेशावर मजदूरों का कहा है। ठीक है, उस मजदूरों का लिहाज उसने कहा है क्योंकि उसके कारकुन, उसने कहा है कि जी इसके कारकुन और काश्तकार रियासत के तमाम शहरियों के लिए जरूरत जिंदगी मुहैया करते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जरूरियात जिंदगी मुहैया करना है, काश्तकारी करना है, या हुकूमत के लिए आमदनी के जराये को बढ़ाना है। इसके अलावा उसने ये तीन तबकात ही इस्लाम मिसाली रियासत में पेश किए थे। अब उसने कहा है जो मिसाली रियासत होगी उसके अंदर हुकूमत की तकसीम किस तरह होगी। द रिपब्लिक उसकी फेमस किताब है, उसमें से तीन तरह की उसने हुकूमत की तजावीज दी है, बादशाहत दी है, इशराफिया दी है, जमहूरियत दी है। बादशाहत कौन होती है, दो तरह के बादशाहत होते हैं, याद रखना, दो तरह के बादशाहत होते हैं, एक होता है मुतलकुल अनान बादशाह होता है और एक होता है आईनी बादशाहत। अब बादशाह कौन है, अफलातून के मुताबिक बादशाहत में हुकूमत पर एक फर्द वाहिद का कब्जा होता है जो कि बादशाह कहलाता है। अच्छा, बादशाह जो कि जाती तौर पर आजाद होता है, जो अपने फैसले में आजाद है, वो मुतलकुल अनान बादशाह है, जैसे कि इस वक्त सऊदी अरब का बादशाह है, वो किसी से मशवरा नहीं लेता, अपने फैसले खुद ही करता है।
इसी तरह दूसरा होता है आईनी भाषा होता है, जो कि हुकूमत के अंदर जो कानून बने होते हैं वो उसकी पासदारी करता है, और कोई भी फैसला करने से पहले वो वजीर आजम से जरूर पूछता है या अपने नीचे जो अमला काम कर रहा है उससे जरूर वो राय लेता है, उसके बाद वो कोई भी फैसला कर सकता है, वो अकेला फैसला नहीं ले सकता, इसलिए उसको आईनी भाषा कहा जाता है। भाषा का कंसेप्ट आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट टू का पेपर करेंगे तो ये इसमें लाजमन आएगी। और इसकी मिसाल आप लोगों के सामने बर्तानिया का जो बादशाह है आइनी बादशाहत में है। बादशाह अपनी जाती मफाद को नजरअंदाज करके अवाम की बेहतरी के लिए काम करता है, ये सबसे बेहतर निजामी हुकूमत है, मगर सिर्फ इसीलिए जब तक बादशाह जाती मफादात पर कौमी मफाद को तरजीह ना दे। अच्छा जी, मेरे जाती मफादात जब सामने आ जाएंगे, अभी मैं कौम के लिए काम कर रहा हूँ, अभी मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बादशाह हूँ, अच्छा हूँ, बादशाह हूँ। लेकिन जब मैं जाती मफाद के लिए काम करूंगा, जब मैं हुकूमत के अंदर जितने भी फैसले मैं अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूंगा, और जब मैं अपने ही मतलब अपने ही रिश्तेदारों को नौकरियों पर रखना शुरू कर दूंगा, हुकूमत में शामिल करना शुरू कर दूंगा, तो वो जो बादशाहत है, वो जो हुकूमत है, वो तब्दील हो जाएगी इस तब्दादियत में। ये दो तरह की हुकूमत है, एक बादशाह जो लोगों के लिए काम करे वो बादशाहत है, और लेकिन जो अपने लिए काम करे, अपने जाती मफादात को देखे, वो इस तब्दादियत है, बादशाहत इस तब्दादियत में तब्दील हो जाती है। ये कंसेप्ट मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अरस्तु में भी यही आना, और बाकी जितनी भी आप स्टेट करेंगे और बाकी जितने भी आप नेक्स्ट पेपर करेंगे तो इसमें ये सारे आप लोगों के सामने आएगी। इशराफिया देख लेते हैं। इशराफिया की जो इशराफिया वो लोग होते हैं जो कि हुकूमत में नामवर लोग होते हैं, जो कि मतलब अमीर तरीन लोग होते हैं, जो नोबल तरीन होते हैं, जैसे लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनके ज्यादा से ज्यादा बातें सुनी जाती हैं, चाहे उसमें फलसफी कह लो, चाहे उसमें कोई स्पीकर कह लो, कुछ भी कह लो, वो तमाम लोग। अफलातून के ख्याल में इशराफिया तर्ज हुकूमत इस वक्त कायम होती है जब बादशाह अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता। इशराफिया से मुराद ऐसी हुकूमत होती है जिसमें निजामे हुकूमत चंद शर्फा के हाथों में चली जाती है, इज्तमाई तौर पर वो इस पर काम करते हैं, और यही इशराफिया के हुक्मरान तबका अपनी जाती मफादात के लिए जब काम करने शुरू कर दें तो ये हुकूमत खुद सर लोगों की बन जाती है, जिसको चंद श्री हुकूमत भी कहा जाती है। अब देखो, चार लोग इकट्ठे हो गए, फलसफी इकट्ठे हो गए, स्पीकर इकट्ठे हो गए, मोटिवेटर है जो आप लोगों के, जैसे कासिम अली शाह वगैरह हैं, इसके अलावा बड़े बड़े अमीर लोगों के नाम हैं। अगर ये चार पांच लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हुकूमत तश्कील करते हैं तो वो हुकूमत जो होती है वो शर्फा की हुकूमत होती है, इशराफिया हुकूमत होती है। लेकिन जब ये लोग अपने जाती मफादात को सामने रखना शुरू करेंगे, हुकूमत को लूटना शुरू करेंगे और अपने लिए ही काम करेंगे, तो वो चंद श्री हुकूमत का नाम उसका चेंज हो जाएगा। इस तरह आप पेपर में भी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि पहले कौन सी हुकूमत थी, और जब वो जाती मफादात की जगह अपने मफादात को लोगों के मफादात की जगह अपने मफादात को देखने लगे तो कौन सी हुकूमत तब्दील होती है। देखिए, मैंने ये सामने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारी हुकूमत की तरफ। जमहूरियत है जिसको कहा जाता है। जमहूरियत से मुराद ऐसी निजामी हुकूमत है जिसमें इक्तदारे आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथों हाथ में होता है। ये नुमाइंदे अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। जब अवामी नुमाइंदे रियासत के मफादात को बुलाकर अपने मजाती मकासद के लिए काम करना शुरू कर दें तो ये हुकूमत निराजियत में तब्दील हो जाती है, नारकी सिस्टम में हो जाती है। ये दरअसल इंतशार, अबतरी और बदनज़मी का निज़ाम है। अब हमारी जो हुकूमत है, जो कि अवाम ने मुंतखब की है हुक्मरानों को, लेकिन अगर ये हुक्मरान अपनी जाती मफादात को देखने लग जाएं तो क्या होगा कि यही हुकूमत नाराजियत में तब्दील हो जाएगी, अनार्की सिस्टम में तब्दील हो जाएगी। मिसाली रियासत की खसूसियात देख लेते हैं। मिसाली रियासत में निज़ाम तालीम अच्छा होना चाहिए, इस्तेमाली निज़ाम जैसे कि कम्युनिज्म का निज़ाम था, हुक्मरानों के कानून से आज़ादी, पेशा से तबकाती रियासत होगी, फलसफियों की हुकूमत होगी, अदम मुदाखलत होगी, आमियत की नफी हो गई। मिसाली रियासत पर तनकीदी जायजा आप लोगों ने लाजमन लिखना है, ठीक है, ये देख लें। अपना तो उनके पेश करदा मिसाली रियासत वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने में नाकाम रही, ये ख्वाब और ख्याल तक महदूद है और अमल प्रैक्टिकल से उसका दौर दौर तक कोई वास्ता नहीं था। यही वजह है कि 2000 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस पर तनकीद होती है। पोलार्क एक फिलोसफर, उसने कहा था कि अफलातून के जमहूरिया को फलसफे और तकलीफ के हवाले से एक शानदार कारनामा सरंजाम समझा जा सकता है, मगर अलम सियासत में इसका कोई इजाफा नहीं है। फर्द की जिंदगी महदूद हो गई है, क्योंकि फर्द महदूद हो गए हैं, फर्द महदूद हो गया। अफलातून की मिसाली रियासत में फर्द को अपनी जिम्मेदारियों कोई काम करने की इजाजत नहीं है। अफलातून के नजरिए के मुताबिक इस पर नशोनुमा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
अच्छा जी, मजदूर तबके से ज्यादती है। मिसाली रियासत में जहाँ दानिशवरों को आला मकाम से नवाजा गया है, वहाँ मजदूरों को निहायत पस्त दर्जा दे दिया गया है और उनके काम सिर्फ जरूरत जिंदगी को मुहैया करना ही है। जायदाद और औरतों की इश्तराकियत का जो इसने नजरिया किया वो नामुमकिन से बात है, नाकाबिले अमल है। गुलामी का वजूद उसने सिरे से खत्म कर दिया, गुलाम को उसने अपने नजरिए से ही पीछे कर दिया। अच्छा एक सेकेंड, लोगों को ना काफी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो लिंक है वो उन लोगों को नहीं मिल रहा। हम चले जाते हैं दोबारा से। क्या हो गया है, प्लीज लिंक सेंड कर दें। लिंक 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 क्या, कहाँ गया लिंक? अब मैं इसका लिंक कैसे मंगवाऊं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चले जी, थैंक यू सो मच, वेट किया और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, गुलामी का वजूद था उसने, हम उस पर तनकीद कर रहे थे उसकी मिसाली रियासत के ऊपर। गुलामी का वजूद है, हकूक कम है, प्राइस ज्यादा है, लोगों को हकूक कम दे दिए थे, रियासत के पास ज्यादा हो गए थे, रियासत का सिर्फ रियासत के पास था। अकल की मुतलकुल नानिया तो उसने कहा था सिर्फ और सिर्फ फलसफियों के पास है, इसके अलावा मजदूर तबका तो सोच ही नहीं सकता किसी के बारे में भी। फर्द और रियासत में मुमासलत वही आ गया, वापस आमराना हुकूमत आ गई है, फलसफी हुक्मरान आमिर होगा, वो किसी की बात नहीं सुन सकता। आइन की अदम मौजूदगी, आइन तो है ही नहीं इसके अंदर। ख्याली और गैर हकीकी रियासत है, ठीक है, अपराध की जिंदगी महदूद हो गई है। तजर्बाती तर्ज इस्तदलाल है, इसने रियासत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया था, ठीक है। रियासत तारीखी तौर पर सबसे पहले माशी तबका कर दिया, उसके बाद फौजी तबका कर दिया और हुक्मरान तबका उसने करार दे दिया, ठीक है। इस तरह मिसाली रियासत की तश्कील हुई। अफलातून का ये तर्ज इस्तदलाल तारीखी नहीं बल्कि तजर्बाती था। अच्छा जी, उसकी रियासत के अफलातून का हम ये तो हम कर चुके थे। अफलातून ने मिसाली रियासत पर, अरस्तू ने उसकी तनकीद किया कि बे इंसाफ नहीं था इसके अंदर। ये फयाज अली कहाँ जा रहे हैं? फयाज अली को मैंने 5 दफे इसको एंटर कर दिया और इसको बेचारा एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद वो फिर दोबारा चला जाता है बेचारा। खैर, मिसाली रियासत का तस्वुर इंसानी रिवायत और इकदार का नफी करता है। अफलातून की रियासत का एक इकाई को समझने के लिए खतरनाक है तस्वुर। अच्छा खैर, फर्द और खानदान के लिए जायदाद एक जरूरत है, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। खत्म कर लेते हैं इसको। अफलातून ने दुनिया की तारीख में पहली बार एक मिसाली रियासत का बाज़ाब्ता तसव्वुर पेश किया था और यह हकीकत है जिसमें रियासत के इखलाकी मकासद मुतय्यन किया, उसकी खसूसियत को बहस किया। इसके पेश करदा मिसाली रियासत का तसव्वुर और तस्वीर अफलातून के दौर से लेकर अहदे हाज़िर तक तमाम सियासी मुफक्किरीन के लिए मिसाल रहा है जो कि हर दौर हर माहौल के साथ हम आएंगी है। अच्छा, हमारे लिए तो ये एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि यार उसने बादशाहत बता दी, उसने चंसरी हुकूमत बता दी, ये वो। लेकिन उस दौर में जहाँ पर पहले कोई कंसेप्ट ही नहीं था, हमारे पास तो हिस्ट्री है, हमारे पास तो पीछे के तजर्बात है जिनको हम पढ़ लेते हैं तो हमें न्यू आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। सकरात भी सिर्फ लोगों की बातें सुनता था, लोग आपस में जो बातें करते थे उससे वो अपने माइंड से कुछ बातें निकालता था, कुछ सवाल निकालता था, उन सवालों के कुछ जवाब निकालता था जो कि वो अपने शागिर्दों के सामने करता था। अब मैं बैठे बैठे कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मेरे मुंह से निकल जाए तो वो मुफक्किर मतलब इस तरह वो लाइनें वो लिख लेते थे। इसी तरह मतलब ये कोई आइडियाज उस दौर में बहुत ही काबिल थे। उस दौर की बात करें ना तो ये बहुत ही काबिल, उसने जो मिसाली रियासत का तस्वुर किया था इंतहाई लेवल का था। हमारे लिहाज से ये फजूल तरीन हो सकता है क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसालें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अगर ये 2000 साल पहले देखा जाए तो वहां पर सोचने का कोई तस्वुर नहीं था। नजरिया इंसाफ देख लेते हैं। इंसाफ के मायने मफहूम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंसाफ के दो पहलू होते हैं, एक इंफरादी तौर पर इंसाफ होता है, एक मतलब मैं फर्द हूँ मैं क्या इंसाफ करती हूँ और माशरे के लेवल पर क्या होता है। नजरिया इंसाफ की खसूसियत है और उस पर तनकीद है। हरफे आगाज देख लेते हैं। आप लाते उनकी किताब जमहूरिया द रिपब्लिक में इंसाफ का एक मरकजी तसव्वुर मौजूद है। इस किताब में बयान करता है दीगर तसव्वुरात तसव्वुर तालीम और इस्तेमालियत वगैरह दरअसल ऐसे ज़राए के तौर पर पेश किए गए जिनके उस्ताद से अफलातून असल और हकीकी मकासिद मकसद इंसाफ का कामिल तरीन सूरत में देखने का ख्वाह है। खैर, अफलातून का तसव्वुर वही वाला है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अफलातून का नजरिया इंसाफ देख लेते हैं। नजरिया इंसाफ एक जज्बा है जो कि हर शहरी के दिल में मौजन होता है, जिसकी मदद से हर शहरी अपने फराइज पर तवज्जो मरकूज करता है और दूसरों के मामलों में मदाखलत नहीं करता।
मुख्तलिफ अफराद और तबकात में उनकी ज़हनी इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक फ़राइज और तफवीज़ कर दिए जाते हैं और अफराद या तबकात इन तफवीज़ करदा फ़राइज़ को अपने अपने मुतय्यन करदा दायरा कार में रहते हुए सर अंजाम देता है। यही इंसाफ और अदल है। अब इंसाफ क्या है? मेरे ऊपर कौन से जिम्मेदारियां हैं? आप एक घर में रहते हो, आप एक घर के सरबराह हो। अगर हस्बैंड हो तो आपके ऊपर आपकी वाइफ की जिम्मेदारी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आप उसी घर में अगर बेटा माँ भी आपकी आपकी पूरी फैमिली है तो आपके ऊपर जो जो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, आपको जो जो प्राइज दे दी गई है, आपको जो जो प्राइज दे दिए गए हैं आपने वो हर हाल में पूरे करने हैं। अपने अपने दायरा कार में ले रहते हुए आप लोग अगर ये प्राइज पूरे करेंगे तो आप लोग इंसाफ पूरा कर रहे हैं अपने लिए, अपने जात के लिए और अपने घर वालों के लिए। इंसाफ का तो सब मायने मफ़हूम देख लेते हैं। उर्दू का लफ्ज इंसाफ अंग्रेजी लफ्ज जस्टिस का तर्जुमा है। जस्टिस ये यूनानी लफ्ज से माखूज है। मौजूदा दौर में इंसाफ से मुराद अदल करना, किसी झगड़े का फैसला करना है। मगर अफलातून के जमाने में कुछ और इंसाफ था। अब देखे ना, हमारा जमाना कुछ और है, 21वीं सदी का और 2000 साल पहले का जमाना कुछ और है। सेफलिस का नजरिया इंसाफ था। उसने कहा था हर शख्स को वो दे दिया जाए जो उसके लिए मौजूद है। अब इंसाफ का जो लफ्ज था ना, हमारे लिए कॉमन सा लफ्ज है, लेकिन उस दौर में इंसाफ का जो लफ्ज था वो न्यू था। लोगों को इसका पता नहीं था कि इंसाफ होता क्या है। हर बंदे ने अपने अपने लिहाज से अपने अपने दौर में उसकी तारीफ बयान की है। पॉल मार्क्स के नज़दीक दोस्तों के साथ अच्छाई की जाए और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया जाए, ये इंसाफ है। थ्री सी मैक्स का नजरिया इंसाफ क्या था? थ्री सी मैक्स के मुताबिक इंसाफ मजबूत आदमी के मफाद का नाम है। हुकूमत अफराद से ज्यादा ताकतवर होती है। आप लोगों को आवाज आ रही है या रुक गई है? आ रही है। अच्छा, वो इंटरनेट बंद हो गया था मेरा। खैर, थ्री मैक्स के मुताबिक जब हुकूमत अफराद से ज्यादा ताकतवर होती है इसलिए हुकूमत जो कवानीन बनाती है उनमें उनका अपना मफाद होता है। गला कौन एक फिलोसफर था, उसका नजरिया इंसाफ यही था कि इंसाफ एक मसनूई चीज है, ये महज एक जरिया है जिसकी बुनियाद खौफ और कमजोर के मफाद पर होती है। अब ये देखे कि इनफरादी और माशरती पहलू, हालांकि मैं इसको पॉइंट की शक्ल में भी लिख सकती थी, पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल बंदा हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन मैंने सीखी हुई है तो उस पेपर प्रेजेंटेशन के लिहाज से मेरी पेपर में अटेम्प्ट भी मैं कुछ इस तरह से ही करके आई हूँ। अगला तो उनके नजरिए इंसाफ की खसूसियत मैंने यहाँ स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लिखी है, लेकिन मैं पेपर में कभी भी ऐसे नहीं लिखती। माशरे का अफराद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और दूसरों के मामलात में दखल ना दे। तमाम अफराद अपने आप को माशरे का एक हिस्सा ख्याल कर इसी तरह तन्हाई का एहसास कम होगा, इंसाफ मुहैया होगा। इंसाफ हासिल करने के लिए फितरी असूल जरूरी नहीं। अच्छा जी, इमदाद बहमी के असूलों पर कायम माशरे में अपने जाती प्राइस को खिंदा परेशानी के साथ सर अंजाम दे, जिम्मेदारियों का हवाला देता है। बहमी तामून और मुफाकत के असूल हैं। अच्छा, बतौर एक फर्द या इनफरादी तौर पर जांचा नहीं जा सकता है, इसलिए एक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के तौर पर जांचा जा सकता है। अब इसके नजरिए इंसाफ पर तनकीद कर लेते हैं। प्याज अली साहब को क्या हो रहा है कि मैं उसको एडमिट कर रही हूँ, फिर वो उसकी रिक्वेस्ट आ रही है, फिर वो छोड़ के जा रहा है, फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है। खैर, अब मैंने नहीं करनी। अच्छा, उस पर तनकीद कर लेते हैं। वसी सल्तनत की जुग्राफियाई तकसीम देख लेते हैं। इंसाफ के असूल के लिए वसी सल्तनत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा दिया उसने, जो कि गलत था। इंसाफ के हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को टुकड़ों में तकसीम कर देना कहाँ की अकलमंदी है। इससे मरकज कमजोर होता है और तबकाती मसाइल पैदा होते हैं। अब मरकज क्या है ये याद रखना। 18 अमेंडमेंट की जो बात हुई थी, 18 अमेंडमेंट में बात हुई थी, 18 अमेंडमेंट की बात हुई थी कल, कुछ मुझसे पूछ रहे थे। और मरकज और हमारी होती है जो हमारा कह लो के खैर, मरकज के हवाले से 18 अमेंडमेंट के हवाले से है कि इस्लामाबाद जो हमारा मरकज है, जो हमारा सिदार्थी है, उसका मजबूत होना जरूरी है। फर्द का एक काम में महारत, अफलातून की नजर में फर्द हर फर्द किसी ना किसी मखसूस काम के लिए पैदा हुआ है जो कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ तो मैं सारी जिंदगी टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। आप में नात, किसी में नात पढ़ने की खसूसियत है, किसी में आर्ट की खसूसियत है, किसी में अच्छा बोलने की, किसी में स्पीकर है, किसी की मतलब कि कुछ भी काबिलियत होती है। उसने कहा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी मौजूद होती है जो कि वो ऐसे अपराध में होता है जो किसी का कोई भी काम सर अंजाम दे सकते हैं, कोई भी मुलाजमत कर सकते हैं, वो बेहतरीन मुसन्निफ हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अदम मुदाखलत का नजरिया उसने पेश किया। अदम मुदाखलत का नजरिया जो कि काबिले अमल नहीं है क्योंकि रियासत का हक हासिल है कि वो दीगर तबकात की कारगर्दगी पर नजर रखे और जरूरी हिदायत जारी करे।
फलसफी हुक्मरान है, क्या हुक्मरान सिर्फ फलसफी बादशाह ही हो सकता है जो कि फितरी इंसान के खिलाफ है, उसमें से मखसूस तबके की आमरियत कायम कर दी है। हुक्मरान इंतखाब करने के लिए जो हक अवाम के पास होना चाहिए वो चाहे किस तरह राय से हो हुक्मरान मुकर्रर करे। सियासी कुव्वत की इजारादारी होगी, सियासी कुव्वत फलसफी गुरुओं के पास ही है, वो अकरबा परवरी कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। गैर मुतरिक और गैर लचकदार है, नजरिया इंसाफ गैर मुतरिक है गैर लचकदार है, उसमें कोई भी इजाफा नहीं हो सकता। फर्द को सिर्फ एक काम के लिए मखसूस कर दिया उसने, सिर्फ एक अंसर की नशोनुमा हो गई है, शख्सियत अधूरी रह गई है। हासिले बहस कर लेते हैं, नजरिया इंसाफ सिर्फ और सिर्फ रियासत की भलाई और तरक्की को मद्देनजर रखते हुए पेश किया, वो इंसाफ को कानून के बजाय इखलाक के तनाजिर में देखता है, उसके साथ इंफरादी और माशरती पहलुओं को मुंसलिक करता है। वो चाहता था कि मिसाली रियासत का हर तबका अपने अपने तफवीज करता प्राइस को सर अंजाम दे और दूसरों के प्राइस में मुदाखलत ना करे और ना ही प्राइस से मुतलिक अपने मुतय्यन करदा दायरा कार्ड से तजावीज करे। अब उसने ये बात करी है, इसकी खसूसियत है मिसाली रियासत, जब आप लोग करने लगोगे मैंने गोल दायरों में उसकी खसूसियत डिस्क्राइब की थी, लेकिन यही जो 10 की 10, 12, 15 जो मैंने ये इसकी खसूसियत है वो मैंने अलग अलग भी डिस्क्राइब कर दी है। वही उसने जो मिसाली रियासत ने कहा, तीन रियासत के अंदर तीन तबकात हैं, फलसफी फौजी और पेशावराना। फलसफी और हुक्मरानी कर दिया उसने, उसमें आप लोग अब आराम से लिख सकते हो कि फलसफी हुक्मरान बन सकते हैं, फौज वाले सिर्फ रियासत की देखभाल कर सकते हैं और जो मजदूर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत जिंदगी मुहैया कर सकते हैं। हुक्मरान तबके की कानून से आजादी कर दिया कि मतलब वो कुछ भी फैसले करें, उसमें कानून की पाबंदी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फ्राइज की तकसीस कर दी है, यानी कि वही नजरिया इंसाफ इसमें आ गया कि उसने फ्राइज सबको दे दिया है कि मुहाफिज जो है वो मुहाफिज करेगा, फलसफी हुक्मरान हुक्मरान करेंगे और जो खुराक मुहैया करने वाले काश्तकार तबका है वो सिर्फ खुराक ही मुहैया कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे में अमल मुदाखलत नहीं कर सकते। अदम मुदाखलत होती गई है मिसाली रियासत के तस्वुर में, तीनों तबका जो जो प्राइस दे दिए गए हैं वो अपने इन प्राइस से हट नहीं सकते। ठीक हो गया, नजरिया तालीम उसने किया था क्योंकि हम नेक्स्ट नजरिया तालीम करेंगे, इसलिए मैं उसको अच्छे से बता देती हूँ। उसने अपनी तालीम पर बेहद जोर दिया था, तालीम के बगैर अफलातून की मिसाली रियासत का क्याम नामुमकिन है, क्योंकि अफलातून के नजदीक रियासत इंसानी जहन का मजहर है, यानी कि रियासत को अच्छा और आला और मियारी बनाने के लिए इंसानी जहन की तरबियत करना बेहद जरूरी है। इस्तेमाली और इश्तराकी निजाम आप लोगों के सामने मैंने बता दिया, दो तरह का है, जायदाद का और खानदान का इश्तराक। ऐसी पाबंदियां लगा दी थी जो हमेशा रियासत के मुफाद के लिए काम करे, फलसफियों के लिए मसावी हकूक कर दिए। यूनान में पहली मरतबा मर्द और औरत के हकूक को मसावी कर दिया था, औरत का ख्याल था सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना और जो मर्द था उसके ऊपर सारी उसने जिम्मेदारियां कर दी है। आर्ट और अदब पर पाबंदी कर दी, उसका ख्याल है कि आर्ट और अदब में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए उसने अपनी जो मिसाली रियासत है उसमें उसने आर्ट और अदब पर पाबंदी आयद कर दी है और उसने एक खास उम्र तक के अफराद को ड्रामा देखने पर पाबंदी लगा दी है। अब तो बच्चा बच्चा ड्रामा देखता है, उसने उस पर पाबंदी लगा दी है। देखेंगे अगले उसमें इसके सवाल में कि किस उम्र तक तो उसने पाबंदी लगाई है। आमरियत की नफी करती है, क्या इस्तबरादियत या आमरियत का कोई अंसर नहीं है, हुकूमत अवाम के लिए काम करेगी, इंसाफ और कवानीन के अलमबदारी करती है, इंसाफ और कानून की अलमबदारी, इंसाफ और कानून सामने कर दिया उसका हर लिहाज हर शख्स के लिए कर दिया। मुसरत से आरजी शादी हो गई, वही कम्युनिज्म का निजाम आ गया इसमें खानदान का, जिस कदर शादियां करेंगे उस कदर औलाद पैदा होगी, ये उसने निजाम पेश किया। मुतलकुल अनान रियासत थी, अफलातून की मिसाली रियासत मुतलकुल अनान तर्ज हुकूमत पर मुश्तमिल थी, इसमें हुक्मरान सिर्फ एक तबके तक थी जो कि फलसफी थे। वही बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार बार थोड़ा सा आगे कर रही हूँ। अफलातून ने दुनिया की तारीख में पहली मरतबा एक मिसाली रियासत का बाज़ाब्ता तसव्वुर पेश किया जिसमें रियासत के इखलाकी मकासिद मुतय्यन किए गए। वही वाला पॉइंट मैंने एंड पे लिखा जो पिछले वाले में था, पर इसकी खसूसियत कभी बहस का मौजूद ना पेश करते हैं। मिसाली रियासत का तस्वीर और तस्वीर हर दौर और माहौल के साथ अमहंग है, इस सब दौर अफलातून और से लेकर आधे आधे तक मुफ़क्किरीन इनके लिए किसी न किसी शक्ल में रहनुमाई का हासिल करते रहे हैं। हासिल पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, तालीम का नजरिया। तालीम का नजरिया इसमें दो तरह का नजरिया है, इब्तदाई तालीम और आला तालीम। हर्फ आगाज में देख लेते हैं, उसने तालीम का नजरिया पेश किया है।
अफलातून में एक मिसाली रियासत है कि तश्कील किया एक भी बेहतरीन निज़ाम तालीम को बहुत अहमियत दी है। तालीमी निज़ाम के सिलसिले में उसने एथेंस की बजाय स्पार्टा के निज़ाम के तालीम के असर को कबूल किया। तालीम का शोबा रियासत के कंट्रोल में होना चाहिए क्योंकि तालीम शहरियों में इंसाफ को फरोग देती है और उनको अपने फ़राइज़ सरंजाम देने के काबिल बनाती है। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। तालीम का मकसद अच्छाई को हासिल करना है। अफलातून के तालीमी निज़ाम का बुनियादी मकसद ना सिर्फ रियासत के अच्छे शहरी तैयार करना है बल्कि उसके लिए हुक्मरान तबका भी मुहैया करना है। अफलातून ने अपनी किताब के 2, 3, 4 में अपनी मिसाली रियासत के निज़ाम तालीम पर तफसील से रोशनी डाली है। निज़ाम तालीम के इसने 2 मराहिल बयान किए हैं। इब्तदाई तालीम में इब्तदाई तालीम 6 साल की उम्र तक के बच्चों को सिर्फ कहानियां सुनानी है, घर के अंदर इखलाकियात पर तालीम देनी है, वो तालीम देनी है जो कि हमारे बुजुर्ग हमें दिया करते थे, नानी दादी हमें कहानियां सुनाया करते थे। 6 साल से लेकर 18 साल तक की उसने कहा है कि जो बच्चे हैं उसमें सिर्फ स्कूल में जिमनास्टिक की तालीम होगी और मौसीकी की तालीम होगी, इसके अलावा और कोई तालीम ना दी जाए। 18 साल से लेकर 20 साल तक उसको फौजी की तालीम दी जाएगी, यानी कि उससे अप लेवल पर 20 साल तक की उम्र के बच्चे इब्तदाई तालीम। और उसने इसको डिस्क्राइब किया है कि अफलातून सबसे पहले घर में बच्चों को 7 साल तक इखलाकी कहानियां सुनाने के हक में था। उसने इससे इसको नेकी का शऊर हासिल होता है, उसको इखलाक बेहतर होता है। 7 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। मतीन साहब एंड पर आए हैं। बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है जहाँ उसको 18 साल की उम्र में मौसीकी और जिमनास्टिक के मजामीन की तालीम दे दी जाती है। मौसीकी की तालीम में शायरी और गाना शामिल है। शायरी का मकसद तालीम जो उसने कहा है, बच्चे में सिर्फ जोके जमालियात पैदा करना है बल्कि उसको इखलाकियात और मजहब से रोशनास भी करवाना है। आला तालीम देख लेते हैं। आला तालीम तो उसने कहा है कि 20 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र जो होगी वो आला तालीम के मराहिल पर मुश्तमिल होगी। इसके इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, 20 से लेकर 30 साल तक की। अब 20 साल की उम्र के बाद जब फौजी तालीम दे दी जाएगी तो हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को अपना अपना पेशा इंतखाब करने का, जो उसने ऑक्यूपेशन करना है उसको एक पेशा वराना तालीम दी जाएगी 10 साल तक, कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, आप टेक्निकल हो, आप IT में हो, आप एजुकेशन में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप कितने माहिर हो, उसको 10 साल तक तालीम दी जाएगी। 30 से लेकर 35 साल की उम्र, आप देखो कौन सी उम्र में कह के जाके वो कह रहा है कि 30 से 35 साल की उम्र में आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, रियाजी पढ़ाई जाएगी, मंतिक पढ़ाई जाएगी, फलकियात की तालीम दी जाएगी। उसने ये 35 साल की उम्र में कहा है। अपना तो काला तालीम के लिए 15 बुक करता है पहले उसके बाद वो कहते हैं कि 30 साल की उम्र में नौजवानों से एक इम्तिहान लिया जाएगा। अब इम्तिहान लिया जा रहा है 30 साल की उम्र में, जिसका नाम बराए इखराज होगा। जो इसमें कामयाब हो जाएगा उसको मजीद 5 साल की तालीम दे दी जाएगी रियाजी वगैरह की, ताकि वो रियासत के हुक्मरान तबके में शामिल हो जाए। अफलातून के निज़ाम तालीम में मर्द और औरत मसावी दर्जा था। अब उसका ये मैंने ढांचा बयान कर दिया। इसी तरह आप पेपर में भी ढांचा लिख सकते हो, मराइल लिख सकते हो। पहला मरला, दूसरा मरला, तीसरा मरला, 1 से 20 साल तक, 20 से 30 साल तक, 30 से 35 साल तक, 1 से 20 साल तक वही, 1 से 18 साल तक मौसीकी है। 18 साल के बाद इम्तिहान में कामयाब होने के बाद फौजी तालीम दे दी जाएगी और 20 से 30 साल, 10 साल पेशा मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद 10 साल तक उसकी कामयाबी तालीम दी जाएगी, फिर एक इम्तिहान लिया जाएगा जो कि तीसरे मरले में शामिल हो जाएगा, जिसमें साइंस, फलसफा, रियाजी वगैरह पढ़ाई जाएगी और आप हुक्मरान बनने के काबिल होंगे। अपना तो उनके तालीमी निज़ाम में दरअसल खसूसियात थी, रियासत की ज़ेरे निगरानी होगी। जो भी आप पढ़ोगे, जितना भी करोगे, वो रियासत की जिम्मेदारी होगी। वो आपको आला तालीम देगी। तालीम और तरबियत रियासत की जिम्मेदारी है। इंसाफ का असूल है, इसका मकसद इंसाफ का असूल है। तालीम का मकसद फर्द की भरपूर नशोनुमा करना है, ठीक है। मौसीकी और जिमनास्टिक शायरी की तालीम अफराद के जहनों को जिला मिलती है, जो कि जमालियात का होता है। स्पार्टा की तालीम रिवायत से फरार करके तो स्पार्टा को उसने स्पार्टा की उसको तालीम पसंद नहीं थी क्योंकि वो इदारे के कंट्रोल में नहीं थी। औरतों की तालीम उसने पहली मरतबा सामने लेकर आया था, मुसाफी हकूक दिया था। फेमिनिज्म था, वो फेमिनिस्ट था, फेमिनिज्म का उसका वो एक तबका था, उसमें ये अपने उसके बारे में नजरियात औरतों के बारे में भी दिया करता था। आला तालीम, आला इम्तिहान का तसव्वुर उसने पेश किया, वो 30 साल की उम्र वाला। तबकाती तसव्वुर तालीम में उसने पेश किया, क्योंकि 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हुक्मरान, फौजी और गुलाम के हिस्से में। अपना तो उनके निजामी तालीम की खामियां देख लेते हैं। मखसूस तबके के लिए तालीम कर दिया, मजदूरों को दूर रखा है इसने इस तालीम से, क्योंकि मजदूर हमेशा सारी जिंदगी मजदूर ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा वो कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकते। हुक्मरान का बच्चे हुक्मरान बनेंगे और फौजियों के बच्चे फौजी बनेंगे।
और मजदूर के बच्चों के लिए तालीम उसने रखी ही नहीं। मिसाली रियासत, मिसाली इंसान के बजाय मिसाली फलसफी का वो बनाता है, उसका जो निजाम है तालीम से महरूमी। 18 साल की उम्र में मुनक्किद होने वाले इम्तिहान में जो बच्चा फेल हो जाएगा वो तालीम हासिल नहीं कर सकता, वो फौजी तालीम तक आगे या फौजी में नहीं जा सकता और उपकान नहीं बन सकता। देखो ना, 3 स्टेप उसने बताया, एक से लेकर 18 साल तक उसने कोई तालीम नहीं रखी, मौसीकी रखी, जिमनास्टिक रखी और कहानियां रखी हैं, इसमें कोई तालीम नहीं है। लेकिन 18 साल के बाद अगर आपका एक पेपर होता है, आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा? अगर आप फेल हो गए तो 18 साल के बाद आप मजदूर बनोगे, मजदूर यानी कि आप मजदूरी कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। जो पेपर पास कर जाएगा वो 2 साल फौजी तबके में चला जाएगा, फौज के हिस्से में आ जाएगा। 2 साल के बाद फिर आपका एक पेपर होगा जो उसमें से काबिल तरीन बच्चे पास कर जाएंगे वो आगे 15 साल की जो तालीम है उसमें चला जाएगा, पेशा वाराना तालीम दी जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल के लिए जो अगला मरला है उसमें फिर एक एग्जाम होगा, अगर आप पास कर जाते हो तो फिर आप हुक्मरान बन जाते हो स्टेट के। इसने ये 4 पेपर्स की बात की है। आर्ट और अदब पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, मखसूस महज तसव्वुराती निज़ाम है। अफलातून ने अपनी तालीमी निज़ाम को अल-जुमहूरिया निज़ाम में पेश किया, अल-जुमहूरिया बुक में पेश किया, जिसमें उसने तालीम का शोबा रियासत के कंट्रोल में दे दिया, क्योंकि तालीम शहरियों में इंसाफ को फरोग देती है, उनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल बनाती है। तालीम का मकसद अच्छा जी, खैर एवरीबॉडी, 5 सवाल थे जो मैंने आप लोगों के सामने कर दिए हैं, ठीक है, ये खत्म हो गए हैं 5 सवाल। नजरिया इश्तराकिया था, नजरिया इश्तराकिया में जायदाद का नजरिया है, इसके अलावा और खानदान का नजरिया है, ये था, और इसके अलावा सर आप लोग मुझे बताएं, दूसरा हमने तालीम का नजरिया पढ़ा है, तीसरा हमने मिसाली रियासत पढ़ा है, मिसाली रियासत की खसूसियात पढ़ी है, और नजरिया इंसाफ पढ़ा है, ये हमने 5 पढ़े हैं, और एंड में वही उसकी मैंने आउटलाइन वो सामने वापस कर दी है, ये सारी आउटलाइन है दोबारा से देखने के लिए। ये टोटल आउटलाइंस की आपको 4 वीडियोज फेसबुक सॉरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है आप लोगों के पास। नजरिया तालीम हो गया, नजरिया तालीम बहुत आसान था, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि लेक्चर एंड हो गया, रिव्यू उसमें कर लेते हैं, नजरिया इस्तेमालियात भी बहुत आसान था, नजरिया तालीम भी बहुत आसान था। मैम अगर रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बातें रिकॉर्ड होंगी, फिर कोई बात नहीं, आप लोगों के रिव्यूज ले लेती हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आया जरा मुझे बता दें। मैम काफी कुछ समझ में आ गया, बहुत मुश्किल लिखा हुआ, मसला ये था कि जो बुक थी ना उसमें बहुत मुश्किल लिखा हुआ था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, ये मैंने खुद बकायदा इसके नोट्स थोड़े आसान बनाए हैं, और बुक्स ये डोगर वालों की बुक से लिखा हुआ है, इल्मी वालों की बुक से लिखा हुआ है, और एक बुक और थी, एक मेरे स्टूडेंट की बुक थी जो कि मैंने सिर्फ 4-5 दिन के लिए उससे ली थी, तो मैंने उसमें बुक्स में से लिखा। तो मैम अब हमारे पास तो मकतबा दानियाल की बुक है, तो फिर उधर से करें कि यही कर लें फिर? अब आपको मटेरियल मिल गया है ना, आपको एक एक्सेंट्रिक मटेरियल मिल गया है, आपको इसमें कोई भी कमी इसमें और कोई भी इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ना आप इसमें ऐड करने की जरूरत है, ना इसको कम करने की जरूरत है, जो आपको एक ऑथेंटिक मटेरियल मिल गया है, मुख्तलिफ जगहों से वेबसाइट से जाकर देखते हैं मुख्तलिफ टीचर्स के नोट्स लेते हैं, मैंने उन सबको इकट्ठा करके ये नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप लोगों के सामने आ गए, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो, ठीक है, जाके दोबारा इसको खुद अपने हाथों से लिखो। अब सबसे मेन टारगेट आप लोगों का पता क्या है, टोटल ये 30 पेजेस है, 40 पेज है, आज और कल 2 दिन लगा के इसको लिखने की कोशिश करो, 1 सवाल तो लिखो ना, 2 सवाल लिखो, इसके आउटलाइन लिखो, इसको फिल करने की करो। सब मुझे कह रहे थे कि मैम आपकी आउटलाइन आ गई, अब इसको फिलिंग करना कैसे, अब मैंने इसको फिल करने का तरीके भी बता दिए, सामने आपके नोट्स रख दिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो होगा अरस्तु के हवाले से, अरस्तु के जो आउटलाइंस मैंने दी थी ना, मैं अपने नोट्स के हवाले से ये अरस्तु बता दूंगी आपको। अच्छा, मसला ये है कि मेरे पास नोट्स है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के, तीसरी बुक के नहीं है मेरे पास, ठीक है, तीसरी बुक मैंने रैंडमली की थी क्योंकि वो मुझे अच्छे से आती थी, इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा पसंद का है, ठीक है, इसलिए वो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसलिए आपको जो नोट्स आपको मुझसे मिलेंगे ना आप तो वही कर लो, इसके लिए आपको मजीद बुक्स छानने की जरूरत नहीं है,
लेकिन जो मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, जो मैंने नहीं बनाए थे पिछले साल, उसके लिए फिर आप लोग यही करोगे कि आप स्ट्रगल करोगे, आउटलाइन में आपको दे देती हूँ, इसी तरह फिल करो, मेरा देख लिया एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में मैंने अशार और हदीसें वगैरह भी लिखी हुई हैं। जैसे जैसे ये पेपर्स बढ़ते जाएंगे, सवाल बढ़ते जाएंगे, आपको पिछले वालों के भी आइडियाज होते जाएंगे, पिछला वाला रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि कम्युनिज्म भी वही है, नजरिया तालीम भी वही है अरस्तू का, ठीक है। जब हम ये दोबारा से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ये आसानी होगी। जहां जहां पे मैंने जो जो अशार जो आएंगे, हदीसें आएंगे, आयतें आएंगे, वो आपने नोट करना, वो हर सवाल में आप लिख सकते हो। बस नजरिया तालीम भी वही है, हुकूमत भी वही है, इश्तराकियत भी वही है, नजरिया गुलामी भी वही हो जाएगा, ठीक है, इक्तदारे आला भी वही होगा। तो आप लोगों के माइंड में जो जो चीजें होंगी ना, वो आप लोगों को नेक्स्ट सवालों में मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं ना इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाकी हम रिव्यू देख लेते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।